गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट, बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो होता है वो सब्सटेंस का मिक्सचर होता है ना। और कौन सा मिक्सचर होता है? वो होमोजेनियस मिक्सचर। इससे पहले वाले टॉपिक लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें कि जो सब्सटेंसेस हैं वो कम्प्लीटली घुल जाते हैं, है ना, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर जो सब्सटेंसेस होंगे वो कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे? डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लेमनोड या फिर सोडा वाटर, है ना। लेमनोड क्या होता है? नींबू पानी की अगर बात करें या सोडा वाटर की बात करें तो दोनों आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड का ही नहीं होता। सॉल्यूशन जो होता है वो सॉलिड में भी पाया जाता है और गैसियस में भी पाया जाता है। तीनों स्टेट में सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, ठीक है। अगर सॉलिड स्टेट के सॉल्यूशन की हम बात करें तो जितने भी अलॉयज होते हैं बेटा, है ना, अलॉयज जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो क्या करते हैं? एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ में मिक्सअप करके बनाए जाते हैं, है ना। तो अलॉय जो होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। और अगर गैसियस की बात कर लें तो गैसियस स्टेट में एयर जो होती है हमारी, है ना, उसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस जो होती हैं वो मिक्सअप होती है। तो एयर क्या हो गया? गैसेस फॉर्म में हमारे लिए क्या हो गया? एक सॉल्यूशन। तो लिक्विड फॉर्म में अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो लेमनोड और सोडा वाटर, सॉलिड सॉल्यूशन की बात की जाए तो अलॉयज, और गैसेस सॉल्यूशन की बात की जाए तो एयर, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर बेटा दो कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। पहला होता है आपका सॉल्वेंट, है ना, और दूसरा होता है आपका सॉल्यूट। सॉल्वेंट हम किसे बोलेंगे? सॉल्वेंट हम उसे बोलेंगे प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें नींबू पानी बनाने के लिए, या शुगर और वाटर का सॉल्यूशन अगर हम ले लेते हैं तो शुगर उसमें कम होगी लेकिन वाटर जो होगी वो लार्ज अमाउंट में होगा उसके अंदर, ठीक है। सॉल्यूट की बात करें तो प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, है ना, जो सॉल्यूट होगा वो कम क्वान्टिटी में वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो जब हम शुगर को वाटर के अंदर मिक्सचर करने की कोशिश करेंगे, उसे सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो वाटर जो होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा हमारे पास में, और उसके बाद जो हमारा शुगर होगा वो हमारे पास में लेसर क्वांटिटी में होगा, ठीक है। तो वाटर क्या कहलाएगा हमारे लिए? सॉल्वेंट। और शुगर क्या कहलाएगी हमारे लिए? सॉल्यूट। देखिए वाटर है शुगर सॉल्यूशन के अंदर, वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है और शुगर जो होती है वो सॉल्यूट कहलाती है। क्लियर है बेटा आप लोगों को? अब आते हैं बेटा हम इसकी प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो सॉल्यूशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं। सेकेंड की बात करें तो द पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, है ना, इसके अंदर जो भी पार्टिकल होते हैं उनकी साइज जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी है द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, क्योंकि इसके पार्टिकल की जो साइज होती है बेटा वो काफ़ी छोटी होती है, है ना। तो अगर इसमें से हम लाइट रेस को या लाइट को इसमें से ट्रैवल करवाएंगे तो जो उसका पाथ होगा वो हमारे लिए विजिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल वाटर और शुगर अगर मिक्सअप हो जाएंगे तो दोनों ही के पार्टिकल्स क्या होंगे? काफ़ी छोटे होंगे। जब पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होंगे तो जब उसमें से हम लाइट ट्रैवल करवाने की कोशिश करेंगे तो उसका जो पाथ होगा वो हमें विजिबल दिखाई नहीं देगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, सॉल्वेंट के अंदर जो भी सॉल्यूट पार्टिकल को हम मिक्सचर करेंगे उसे हम बाद में सेपरेट नहीं कर सकते कि हमने एक बार मिक्सचर तैयार कर दिया, सॉल्ट वाटर तैयार कर लिया या शुगर वाटर हमने तैयार कर लिया, उसके बाद हमें बोला जाए कि आप उसके अंदर से शुगर को वापस सेपरेट करो, तो ऐसा नहीं होगा। वो उसके अंदर क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, द पाथ ऑफ थर्ड है आपका द पाथ ऑफ अ लाइट इज नॉट विजिबल, एंड द फोर्थ आ जाता है द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन क्या हुआ ये देखा, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर? सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी वो भी हमने आज इसकी देख ली।